जंगल से गुजरते हुए एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि भंते, ये सोचने की और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या फिर ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा, अपने सुंदर स्वरूप में ये कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू भी ये प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार जो इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में जो उसके साथ पूरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है, तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी भी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है, इसीलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने के बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वो ग्रस्त जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वो तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वो भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता और उसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं, उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती है, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दे, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो, उसे अपने दिल में अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है
कि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं बताते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मन की बात, अपने भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा हो तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वो वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है तो पीछे छोड़ाता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठने वाला वेग अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की, तो वो उस बांध को तोड़ देगा। और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसीलिए रखता है कि वो सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वो अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले को वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार वो हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई तो वो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की ये आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। ये 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबा कर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे व्यक्त करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम भूल जाए, परिणाम क्या होंगे, सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वो सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहाँ पर चुनौती नहीं होती वो कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच में सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय ये भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही है, उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है
और वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठती है। लेकिन समझने की बात ये होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वो तो डांटेगा ही। अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे तो अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वो ये है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती है, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वो इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें ये पता चल पाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को ये सारी बातें बताते हो तो तुम खुद भी अपने प्रतिक्रिया का उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहा है उसके प्रति खुद का आकलन भी कर पाते हो। और तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वो है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा किस प्रकार लेनी है, किस प्रकार उसका अभ्यास करना है, वो वीडियो इस वीडियो के खत्म होते ही चल जाएगी। जिन लोगों को वो सुनना है तो आप उसको सुन सकते हैं। ये चर्चा खत्म होते होते गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।